फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप पावर बीआई के सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मुझे टाइप करना है पावर बीआई। मैंने पावर बीआई लिखकर एंटर कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स में जाना है और पावर बीआई डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डाउनलोड फ्री पे क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पर सी डाउनलोड और लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश के अपार्ट किसी और लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर हिंदी है और काफ़ी अदर लैंग्वेजेस भी है, तो मुझे इंग्लिश चाहिए तो मैंने इंग्लिश ही रहने दिया और इसे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर आपको चूज द डाउनलोड यू वॉन्ट इस तरह से मैसेज शो करेगा। यहाँ पर आपका सिस्टम की कैसी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हैं पावर बीआई को। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो गाइस ये यहाँ पर फाइनली डाउनलोड हो चुका है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ और इसे ओपन कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। अब देखिए, ये इंस्टॉल के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अब मैं अगेन यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं चेक मार्क पे क्लिक करूंगी और नेक्स्ट कर दूंगी। अब आप चाहे तो यहाँ से पाथ को चेंज कर सकते हैं। मैं एज इट इज रहने देती हूँ और नेक्स्ट कर देती हूँ। और मुझे अपने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आइकन चाहिए, तो मैं चेक रहने देती हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको स्टेटस शो करेगा डाउनलोडिंग का। तो अब देखिए, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करूंगी। देखिए, यहाँ पर ये पावर बीआई डेस्कटॉप का आइकन शो कर रहा है। ये शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और ये तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अभी साइन इन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो पावर बीआई है मे बी वो ओल्ड वर्जन है और जो रियल पावर बीआई है वो हर मंथ अपग्रेड होता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू वर्जन पे काम कर सके तो बस आपको यहाँ पर फाइल पे जाना है और फिर ऑप्शंस एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है और फिर ऑप्शंस पे जाना है। देन आपको प्रीव्यू फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको सारे पे चेक मार्क कर देना है जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। तो जैसे मैं स्पेनिश लैंग्वेज नहीं चाहती हूँ तो मैंने उसे चेक मार्क नहीं किया है और सब पे मैंने चेक मार्क कर दिया है और मैं ओके कर दूँगी। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।